गुलबर्गा वार्ड नंबर 14 नौशीन कॉलोनी गोल्डन गेट कॉलेज के प्रमाइसेस में जनाब अजीम शेख की जानिब से पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वार्ड नंबर 13 से डिफिटेड कॉर्पोरेटर उमर फारूक ने लोकसभा इलेक्शन के नाजुक हालात को देख एमएलए कनीस फातिमा की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। उमर फारूक गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 13 में पिछले कई सालों से अपने सियासी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और फिलहाल वक्त की जरूरत को समझते हुए उमर फारूक ने गुलबर्गा लोकसभा कांग्रेस कैंडिडेट राधा कृष्ण डोडमणि को सपोर्ट का ऐलान कर कहा, हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों से लड़कर देश को आज़ाद कराया था और अब हमें अपने वोट का इस्तेमाल कर फिरका परस्त ताकतों से देश को आज़ाद कराना है। इस मौके पर एमएलए कनीस फातिमा, फराजुल इस्लाम, मजहर आलम खान, नईम खान, वाहिद अली फातिखानी, अली खान, अजमल गोला, अयाज खान, जावेद अन्ना राय, रहीम मिर्ची, सरफराज खान, अलमदार जैदी और दीगर कांग्रेस लीडर्स, वर्कर्स, कार्यकर्ता के अलावा बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन यहाँ मौजूद थे। कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर उमर फारूक ने मजीद क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. आज मैं तहे दिल से मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा और फराजुल इस्लाम साहब और जैदुल इस्लाम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे कांग्रेस में आने को उन्होंने कबूल किया। आप लोग बखूबी जानते हैं कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, न सिर्फ शहर के, पूरे मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं। हमारे आबा और अजदा ने देश को आजाद किया था, अब हमारी बारी है इन फिरका परस्त ताकतों से हमें हमारा देश आजाद करना है। उन्होंने लड़कर देश को आजाद किया था, अब हमें सुबह अव्वल वक्त में निकलकर वोट डालकर इस देश को आजाद कराना है। आज हिंदू मुस्लिम फलाना हलाल कट CAA हिजाब बहुत सारे मामला सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है। ये बीजेपी हुकूमत जब से इख्तदार में आई है सिर्फ और सिर्फ उसकी ये चाहत है कि मुसलमानों को हम किस तरह परेशान करें, ये बीजेपी चाहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम परेशान होने वाले नहीं हैं, अब हमारा वक्त आया है। 7 तारीख के दिन हम लोगों को पोलिंग बूथ पर जाकर बटन दबाकर कांग्रेस को यहां से जिताना है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, न सिर्फ मैडम कनीस फातिमा की जिम्मेदारी, फराजुल इस्लाम साहब की जिम्मेदारी, बल्कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है तो आप सभी को एक होना है। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोग ये फिरका परस्त ताकत को हरा नहीं सकेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलबर्गा का ये इत्तेहाद हमने देखा है एमएलए इलेक्शन में। आप लोगों के इत्तेहाद को, आप लोगों की एकता को हमने देखा है कि आप लोग एक होकर मोहतरमा कनीस फातिमा, एक हिजाबी औरत को असेंबली में आप लोगों ने भेजा। सिर्फ एक औरत है जो हिजाब पहनकर असेंबली जाती है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अगेंस्ट जो बात करते हैं, जो हमारे मुखालिफिन है, उनके भी दिल में ये मोहब्बत होगी, ये देखकर वो भी खुश होते होंगे कि हाँ ये मुसलमान एक हिजाबी औरत है जो असेंबली में जाती है। हाँ ये देखकर ये लोग भी खुश होते होंगे। आप लोग को वोट डालना है, वोट की अहमियत को समझना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.